मैं सोच रही हूँ तुझे भी ना मैं अनलिमिटेड फूड ट्राई करूँ, मतलब जितना मर्जी पनीर खा लो। फ्यू मोमेंट्स लेटर चने शाही पनीर पालक पनीर तरबूज हलवा। ओह माय गॉड मेरा बर्थडे है भाई, जोशीला भी शांत हो चुका। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी आज सबसे पहले मैं आपको मिलवा लेती हूँ कि मेरे साथ आज कौन है, आप लोग अचंभित ही हो जाओ। मेरे साथ है मेरा भाई विशाल शर्मा। तो भाई आया हुआ है चंडीगढ़, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना बारबेक्यू नेशन पे अनलिमिटेड फूड वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि तुझे भी ना मैं अनलिमिटेड फूड ट्राई कराऊँ, मतलब जितना मर्जी पनीर खा लो, जितना मर्जी जो मर्जी खा लो। थालियां भी? थाली क्यों खाएगा तू यार? और आज लाई है बंदी एलांटे, मुझे पता है भाई आया है तो इसका मतलब भाई को ही लूट लो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक तो मेरे साथ भाई है, दो और है जो मैं आपको बताऊंगी। रेडी है? तो ये रहा वो दूसरा इंसान। तो मेरा भाई है ये नैंसी है। अच्छा अच्छा ये नैंसी। अच्छा, तो कभी मिली नहीं। हमारी जांच का है, ब्लैक पर्ल का है। चुप रह यार, अनलिमिटेड फूड खाने के लिए तू तैयार है? हाँ भाई। तो तेरे पीछे ही देख ले क्या है। चलो भाई मैं गया हूँ तीन बार। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अंदर और करते हैं आज ट्राई पार्ट्स ऑफ ग्रिल का खाना। और आज मैं बना हूँ कैप्टन जैक स्पैरो। और तू बारबूसा है। ये देखो भाई ये है पाइरेट्स ऑफ ग्रिल, ये बाहर से है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। वही मैं वेज जो नॉन वेज नहीं इतना मत अकलाओ यार, पहली बार याद है वेज जो नॉन वेज। चलो भाई पाइरेट्स ऑफ ग्रिल। तो भाई हम एंटर हो चुके हैं और अंदर से कुछ इस तरीके का है, ऑलरेडी यहाँ पे चला हुआ है क्योंकि हम लंच टाइम पे है ना, लंच वाला जो भी रहेगा वो बताते हैं। ये वाला ठीक है, इधर वाला। तो भाई हमने टेबल ले लिया है, मैं इस साइड बैठी हूँ, वो दोनों उस साइड बैठे हैं। देखो इसको बोलते हैं यहाँ पे बारबेक्यू होता है, देख लो तुम दोनों। ओ यार ये होता है। हाँ इसमें आग जलेगी ना फिर इधर। अच्छा इधर वो बारबेक्यू होगा। थैंक्स यार आप हमें इतनी अच्छी जगह पे लेकर आए। तो भाई सबसे पहले तो हमने बिस्लरी का पानी निकाल के गिलास में भर दिया है। ये पानी है कि अमृत है? ये देखो भाई ये आ गया अपना, ये देखो भाई इसमें आ गया। बढ़िया आंख देखने के लिए। फिर मत बोला मैं तुम्हारे को आग नहीं सिखाई। इसमें क्या आंख सकते हैं? अच्छा ये नहीं यार वो। अच्छा ये नहीं है। भाई स्टार्ट हो चुका है, अभी बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, सीधे ही सर्व हो रहा है। चलो पहले दे दो। अच्छा सालसा पोटैटो है। अच्छा और साथ में डिमसम। अभी ना डिमसम आ गया, ये देखो ये रहा डिमसम जो कि उल्टा हो गया मेरा। और ये स्टार्टर में इन्होंने दी थी मशरूम पनीर और चाप है। ये क्या भैया? एक मटर की सब्जी वेज प्लस कबाब। अच्छा वेज कबाब। तो अभी नैंसी जो है डिमसम ट्राई कर रही है, कैसा है क्रिस्पी कॉर्न। तो भाई यहाँ पे देखो पाइन एप्पल हुआ, बस करो भैया ये मेरा फेवरेट है। बस। तो भाई इन्होंने फुल ही कर दिया, इनको पता है मेरा फेवरेट है। नैंसी आप ट्राई करके बताओ पाइनएप्पल सबसे पहले। वाह भाई मजा ही आ गया। पाइनएप्पल लिया आपने? नहीं नहीं हमने। ऐसी मैं आपके लिस्ट तो हां जी हां जी हां जी गरम होता है। पर भाई पाइन एप्पल तो इनका मोटा स्टाइल में आ रही है। देखो भाई यहाँ की सर्विस ना बहुत फास्ट है, यहाँ पे तो दाम से भी जल्दी आ रहा है मेरे। देखो अभी कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं खा ही रही हूँ तब को और बहुत टेस्टी है। और अभी देखो ये वाली चीज़ तो हमने खाई भी नहीं और अभी स्टार्टर ही चला हुआ है, ये भी खाओ है। और देखो वो पाइन एप्पल है, स्टाइल है भाई पाइन एप्पल का। पाइन एप्पल मैंने कोक मंगाई है। क्या ये जोर से कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है। तुम्हारे को कैसा लगा पाइन एप्पल? मैंने तो पहले ही एक्टिंग कर दी है तारीफ की, पर मैं आपको रिएक्टिव बता रही हूँ, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। चेंज कर दो, रिपीट कर दो। कुछ करना है रिपीट? इसने टेस्ट करा है भाई। क्रिस्पी कॉर्न बहुत टेस्टी है, इनके क्रिस्पी कॉर्न ही मंगा दिया मैंने, बाकी मेरी प्लेट सारी खाली हो चुकी है। भाई हमारा स्टार्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब तुमने कुछ और खाना है? खाना खाएंगे। तो अभी पाइन एप्पल आ गया, पाइन एप्पल चाहिए किसी को? चंगा। और अभी तो भाई खाना भी बाकी है, पेट ही फुल हो गया भाई ये सब खा के ना। घूम लेते हैं नैन्सी एरिया, अभी थोड़ा घूम लेते हैं।
कुछ वॉशरूम वॉशरूम जाके आते हैं क्योंकि भाई इनकी स्पीड बहुत ही खतरनाक है और हमें भी उसी स्पीड से खाना पड़ रहा है। और चलो खा लेते हैं क्रिस्पी कॉर्न, मुझे ना नई प्लेट लेनी पड़ेगी, ये सारा मिक्स हो क्रिस्पी कॉर्न। तो भाई अब ना हम स्टार्टर खा के थक चुके हैं, अब पूछ लेते हैं इन दोनों से कि स्टार्टर में सबसे बढ़िया क्या लगा, डिमसम और कॉर्न पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल इसको, डिमसम और क्रिस्पी कॉर्न। तो जरा मैं देख क्या है कि और क्या क्या है। मैं चल तू गया, नहीं से आप बैठो ऐसा महारानी के साथ। ठीक है चलो पेट दिखा दी मैं, अभी तो छोटा ही है। तो भाई इनका देखो यहाँ से उठते ही ये वाली लाइन है खाने पीने की। तो अभी देखो यहाँ से लाइन है और वो एंड तक है, हम आपको सब कुछ बताएंगे ये क्या क्या है। चल भाई खोल। एक चिकन मसाला बिरयानी का लिखा है। अच्छा ये नॉन वेज है, ये है लहसुन मीट करी, ये है स्लाइस फिश इन ब्लैक पेपर सॉस, और एक क्रिस्पी चिकन इन चिली, ये पापड़, ये सब सैलेड है, गाजर मूली कॉर्न अपना स्प्राउट, और इधर देखो रशियन सैलेड भी है, ये नूडल्स है, और ये देखो ये है एक्जॉटिक इन सेपो सॉस कुछ ऐसा ऐसा है। फिर आगे देखेंगे तो ये है कढ़ी, ये है भाई अपना वेज, ये रही मिक्स वेज, और ये है कढ़ी, और यहाँ पे देखो भाई ये है पिंडी चना मसाला और सरसों का साग, ये देखो भाई सरसों का साग पिंडी चना मसाला, और क्या है, और है स्पेशल दाल मखनी, ये दाल मखनी है, ये पनीर है, और भाई पूरी शादी वाली चीज़ है भाई, पूरा ना बहुत ही मतलब मेरे को तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। ये नॉर्मल दाल है और ये चावल है, और ये बिरयानी है। तो ये वाला एरिया भाई पूरा डेजर्ट का, और सब कुछ यहाँ पे मीठा ही मीठा है, ये देखो ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये वनीला, ये पेस्ट्री ब्राउनी, पीछे पेस्ट्री, और ये देखो केक है कीवी केक, फ्रूट केक, इधर भी फ्रूट केक है, ओल्ड फैशन बनाना पुडिंग है भाई ये, और ये देखो ये है केसरी फिरनी, और ये छोटी छोटी क्रम्बल उसको क्या बोलते हैं पेस्ट वो है कप केक, और यहाँ पे फ्रूट्स है जिसमें पपीता है और पीछे तरबूज है, और यहाँ पे है गुलाब जामुन, और ये है अपना पापा का फेवरेट क्या बोलते इसको कोई हलवा होता है यार, मेरे को अब इतना सब कुछ देख के नाम ही भूल गई मैं, और ये हलवा है, और यहाँ पे है सूप, ये चिकन सूप है इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है वेजिटेबल सूप, ये देखो अंदर मशरूम ही मशरूम। भैया ये कौन सा हलवा है? हाँ ये मूंग दाल का। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या है, अब भाई ना सब कुछ एक ही प्लेट में ला रहा है, मीठे का लाती हूँ एक ही प्लेट में, फिर टेस्ट करके बताते हैं कि आपको कैसा है, फिर हम तो बाद में और भी लेंगे, पहले तो गुलाब जामुन ले लेते हैं एक ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब सारी प्लेट में आ जाए तो उस हिसाब से मेरे को क्वान्टिटी लेनी पड़ेगी, थोड़ा जैसा मूँग दाल का हलवा ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट कैसा है, ये चख लेते हैं, और कप केक ले लेते हैं, और ये भी अभी रहने देते हैं, पुडिंग ले लेते हैं, पुडिंग देखते हैं कैसी है, पुडिंग भी होगी, इधर से ब्राउनी ले लेते हैं एक, और एक इधर से ये ले लेते हैं पेस्ट्री, और यहाँ से ना एक कट करना पड़ेगा तो कट कर लेते हैं, ये स्ट्रॉबेरी वाला देखो भाई चॉकलेट गिर गई मेरे से, पर ये देखो स्ट्रॉबेरी है ऊपर और नीचे भी स्ट्रॉबेरी है, मतलब स्ट्रॉबेरी की पेस्ट्री है और ऊपर स्ट्रॉबेरी एक्चुअल में लगी हुई है। फिलहाल इतना ही ले लेते हैं, ऑलमोस्ट सारा ही आ गया है, बाकी जो बच गया अब वो नेक्स्ट राउंड में, अभी स्पून ले लेते हैं, छोटू सी स्पून है, फिर मस्त ट्राई करेंगे। चलो भाई सब कुछ आ गया है, ये पुडिंग ट्राई करती हूँ सबसे पहले, पुडिंग बढ़िया है भाई, बहुत ही सॉफ्ट है, कड़ी पड़ा नहीं पेस्ट्री, क्या बात है, वाह क्या बात है, शाही पनीर गुलाब जामुन, वाह पालक पनीर, वाह कपकेक, मूली, अरे रुक मेरी बारी है, पास्ता कपकेक, वाह काकड़ी खीरा पेस्ट्री मैंगो पेस्ट्री, वाह दाल मखनी, वाह स्ट्रॉबेरी है नीचे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तरबूज, वाह पेस्ट्री भाई को देती हुई,
फिर से कड़ी पकौड़ा खाते हुए बनाना पुडिंग मम्मी मंकी पेस्ट्री खाते हुए पापा का फेवरेट मूंग दाल का हलवा स्ट्रॉबेरी निकलती हुई पेस्ट्री से स्ट्रॉबेरी नहीं खाते हुए स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बोलते हैं ब्राउनी वाह मजा आ गया ये कहा बनाना पुडिंग बनाना पुडिंग कैसा है खाते हुए भाई को दी हुई पेस्ट्री वापस लेते हुए फिर से तरबूज खाते हुए जूस भी पी लेते थोड़ा थोड़ा भाई की प्लेट से पापड़ लेते हुए नैन्सी को खिलाते हुए हैप्पी बर्थडे टू टू आपको जरा सा झलक दिखाते लड़ाई का वो देखो सरदार अंकल के पीछे हो रही है लड़ाई तो मैनेजर यहाँ पे परेशान हो चुके हैं पर नैन्सी तो टेंशन मत ले तो टेंशन ले बड़ी दुविधा थी फिर हमने सोचा क्यों ना हम केक पर फोकस करें और हम तरबूज में फोकस करें और हम ब्राउनी में फोकस करें मीठा तरबूज वर्जिन मोहितो भाई तगड़ी लड़ाई होगी सच में ही होगी इंदे चले गए मैंने महिमा को रोक के रखे नहीं तो महिमा तो एक आध देखो ढीस लेती अभी नहीं हुआ खत्म अभी तू जितना मर्जी खा सकता है नहीं यार हां क्या उस साइड हो रही है लड़ाई बॉटल के पीछे हैं बंदे बुला रहे हैं भाई फिर से सारी प्लेट खत्म हो चुकी है और वो देखो बंदा फिर से जाता भाई बहुत नींद आ रही है भाई बहुत खा लिया है भाई 5 मिनट में उठाइए बस 5 मिनट में उठे हाँ माय डियर बेबी आप क्या लाए हो आइसक्रीम ठीक है ठंडी है भाई अच्छा अच्छा भाई भाई मोटा इज्जत लाग बंदा है वो गया गोलगप्पे खान जाने से उसको छोड़ गया अच्छा खुद को बोलते बोलते जाए चलो फिर हम देख लेते हैं विशाल क्या कर रहा है अकेले अकेले खाने रहे को सब अकेले अकेले गोलगप्पे खा रहे हैं शर्मी हम दो क्या है तो भाई भाई ने मस्त गोलगप्पे भी खा लिए आज ना हमारा किसी का भी एक मिनट रुको अभी वो आया है जिनको हमने झूठ बोला है तो आज ना हम तीनों में से किसी का भी बर्थडे नहीं है पीछे से चले गए केक तो बनता है क्योंकि यहाँ पे फ्री का केक मिलता है ना जिनका बर्थडे होता है तो हम बोल देंगे कि हमारा बर्थडे है और हमें केक दो तो अभी चलो करते हैं ये ट्राई अगर देखते हैं अगर मिलता है केक तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसा केक होता है और अगर नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ इसकी पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी देख लो हेलो भाई खाना भाई जो मैं केक नहीं बोल रही वो काटा नहीं वो देखो वो काट के ले आया इसको कैसा है हाँ क्या बता ओके मैं और नैन्सी तो थक गए पर ये बंदा उधर से इधर तक आते आते अब क्या लाया तू मूंग हलवा चॉकलेट हिस्ट्री पुडिंग माई नैन्सी की हो गई है फेंच और ये देखो यहाँ डिज़ाइन बना रही है एंड लव पता नहीं क्या क्या लिख रही है मैं भाई हट नहीं रहा भाई मैंने दाल चावल ला दिया है भाई वही रोटी खा रहा है अपना मिक्स हटेगा नहीं फटेगा भाई अभी मैं और भाई है ठीक है और हमारी हालत देखो हम उठ ही नहीं रहे मेरे को नहीं पता था ये बंदा ऐसा होगा कि उठेगा ही नहीं अब ये यहाँ देखो भाई आंखें देखो मेरी मेरे को तो नींद ही आ रही है और नैन्सी तो वॉशरूम चली गई नैन्सी तो निकल गई वॉशरूम के लिए अब लगता है दूसरा नंबर मेरा होगा बाहर जाने के लिए पर इसको देखो भाई मम्मी ने बोला झूठा नहीं छोड़ना कभी अब क्या चाहता है तू सर आइसक्रीम ले खानी है रे भाई जोशीला भी शांत हो चुका है भाई उठा रहा ड्रम में मत मार प्लीज ये कड़ी पकौड़ा ये दाल मांगी हमने ना केक मंगाया हमने बोला भैया की एनिवर्सरी है
तू आ गई हल्की होके, तू तो पहले से ही हल्की है भाई। डेड हो गए हम, डेड। हमने एकदम पैसा वसूल किया भाई, पैसा वसूल, तगड़ा पैसा वसूल कर दिया भाई इस बार तो। भाई बिल्कुल था, देखिए आपने लोगों ने उठते भी नहीं जा इस हेलो खाएगा अनलिमिटेड फूड भाई। हमारी ज़रा भी हिम्मत नहीं अब और कुछ खाने की, पर फिर भी क्योंकि केक फ्री मिलता है ना, तो हम केक के लिए रुके हुए हैं, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम उठ के जा भी सकते हैं पर पैसा वसूल। तो भाई जब तक केक बनता है तब तक हम फिर से लाए हैं एक बार तरबूज। और देखो कौन रहा है, एक तो ले ले भाई, मना नहीं करते। आज के पूरे हमारे ब्लॉग का मोटो है, जब तक फटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। मतलब फटे नहीं तब तक हटे नहीं दोस्तों। हमने अपने मस्त फिर से तरबूज भी खा लिए, पर अभी तक कोई केक का नामो निशानी है। शायद टाइम लगेगा, तो अभी रहने ही देते कि हम कहाँ उठा के ले जाएंगे। पर ऐसा है कि केक आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही है, चाहे आपका बर्थडे हो या नहीं हो, पर केक मिलेगा ही मिलेगा। अभी टाइम लग रहा है क्योंकि लंच टाइम है ना, पता नहीं क्या है। तो अभी हमारी भी हालत ख़राब हो गई है, आंखें देखो नींद आ रही है भाई, तगड़ी नींद आ रही है। तो फिलहाल अब निकल रहे हैं हम, बिल पे कर लेते हैं और निकलते हैं। भाई बिल ही नहीं आ रहा अब ना, ये बंदा वॉक कर रहा है इधर ही। तो जब तक बिल आता है तब तक आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़ दिखानी रह गई थी आपको। ये देखो, ये है लाइव ग्रिल चैंडलर, यहाँ पे गोलगप्पे है, मोमोज है, वेज और नॉन वेज। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोने लगा। अब देखो सर का केक आ गया है, हैप्पी एनिवर्सरी, हम जा ही रहे थे तब को भैया ने ला दिया। थैंक यू भैया, मेरा एनिवर्सरी। ओह माय गॉड, मेरा बर्थडे है, एनिवर्सरी। ओह माय गॉड, मेरी एनिवर्सरी है भाई, शाज के साथ। नेंसिका वीडियो बनाने की फोटो। नेंसिका वाह भैया, क्या रहा है इसे, तुम्हारी नैन्सी गाती है। चल नैन्सी, शूट यार वीडियो ही ऑन। चलो मम्मी, लड़के की एनिवर्सरी भी मना दी हमने, अब जल्दी से लड़के के लिए लड़की ढूंढो, फिर शादी भी करा देंगे। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, आज का बर्थडे भी आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरे 16वें बर्थडे दिन, धन्यवाद। मेरे 16वें बर्थडे दिन, तेरे कौन सा बर्थडे दिन है? 10th. तो भाई हमारा बिल भी आ गया है, ये देख लो हमारा केक, हमने पैक ही करा दिया, हमारे हिम्मत नहीं है कि हम इसको खाएं, तो अब घर जाके ही खाएंगे। देखो पार्ट्स ऑफ ग्रिल, और भाई देखो मैं ये भी चोर के लाई पार्ट्स ऑफ ग्रिल से, ये देखो है तो माउथ फ्रेशनर, पर चलो काम आ जाएगा। क्यों नैन्सी? हाँ जी, फाइनली हम निकल चुके हैं पार्ट्स ऑफ ग्रिल से, और निकल चुके हैं लांटे मॉल में। तो अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे जो बेस्ट चीज़ है स्टार्टर में, हमें लगा डिमसम, क्रिस्पी कॉर्न और पाइनएप्पल। फिर आया हमारा मेन कोर्स, मेन कोर्स में सारे डिलीशियस था भाई, लंच के टाइम पे बहुत ही डिलीशियस था, रोटी चावल सब कुछ। फिर डेजर्ट में पुडिंग थी, बनाना पुडिंग बहुत अल्टीमेट ही थी, फेवरेट तरबूज और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम। और हमारी जो हालत होगी है ख़त्म ही अब, यहाँ पे देखो लांटे मॉल के बाहर है, और नैन्सी की शक्ल देखो सोने लायक हो गई है। मन कर रहा हमारा कि इधर ही सो जाए, क्योंकि आज तो भाई हमने हद पार कर दी है भाई वहाँ पे है, क्योंकि इसका अभी तक क्या कहते हैं पेमेंट नहीं हो रहा, अंदर नेटवर्क नहीं है ना, तो हम तो निकल गए, अब हम भाग भी सकते हैं। और जो प्राइस था वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वेज और नॉन वेज का सेम ही प्राइस है, 800-850 रुपये। अगर आप वीकेंड में आते हो, ये तो वीक डेज का था, वीकेंड में आते हो तो और भी कम होगा। तो फिलहाल पार्ट ऑफ ग्रिल के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।